हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गुरु 11-11 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में, पैसा का बचत कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप पैसा बचत करना चाहते हैं तो आपको पर डे का खर्च लिखना होगा। पर डे आप कितना खर्च करते हैं, पर डे आप क्या क्या खरीदते हैं, किस चीज़ों में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, ये आप नोट कीजिए। उसके बाद जब एक मंथ पूरा हो जाए तो उसे आप टोटल ऐड करिए और देखिए कि किस काम में कितना पैसा खर्च हुआ। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है अगर हम पर डे का खर्च लिखते हैं तो टेंशन हो जाएगा देखकर कि इतना खर्च हो रहा है। तो दोस्तों टेंशन तब होता है जब हम टेंशन लेते हैं, बिना हमारे टेंशन लिए टेंशन नहीं होता। यानी कि जब तक हम टेंशन को नहीं बुलाते हैं हमारे पास टेंशन नहीं आता है। तो आप ये सोच रख के लिखें कि हम अपना खर्च देखना चाहते हैं कि हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना सही जगह है और कितना गलत जगह है। आपका उद्देश्य यही होना चाहिए। उसके बाद आप मंथ के लास्ट में उसे ऐड करें और देखें कि किस चीज़ में पैसा कितना खर्च हो रहा है। और जो आपको लगे कि ये चीज़ में इतना नहीं खर्च करना चाहिए तो अगले मंथ में उसमें सुधार करिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका बचत शुरू हो जाएगा। या उससे भी अच्छा है आप जितना भी इनकम है उसका सबसे पहले शुरू में ही 5% 10% सेविंग कर लें, उसके बाद जितना बचता है उतना ही में काम चलाएं। उसके बाद जब आप पैसा सेविंग करें तो वो पैसा अपने अकाउंट में ना रखें, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर और जहां आपको अच्छी जानकारी हो वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो पैसा बचत हो रहा है वो इन्वेस्ट होगा तो उसमें ग्रोथ होगा। ऐसे आप धीरे धीरे करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे। तो अगर आप पैसा बचत करना चाहते हैं तो अपने खर्च पे पाबंद लगाइए। अपने खर्च को देखिए कि आप कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च करना ज़रूरी है और कहाँ खर्च करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच होता है कि वो कहीं कहीं फिजूल खर्च कर देते हैं, उस चीज़ का उन्हें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी खरीद के स्टॉक कर लेते हैं और अपने पैसा को फंसा लेते हैं। जबकि बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचते। गरीब लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पैसा को सेविंग करते हैं। अगर उनके पास कुछ पैसा बचता है तो वो उसे सेव करके रखते हैं। और जो बिजनेसमैन होते हैं, अमीर होते हैं, उनके पास जो पैसा आता है वो सेविंग नहीं करके इन्वेस्ट करते, इसलिए वो पैसा और इनकम करा कर देता है और गरीब आदमी का पैसा कुछ भी नहीं कराता। एक तो बड़े मुश्किल से बचाते हैं और उससे भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए सबसे पहला है कि आप अपना पैसा लिमिट में खर्च करें, फिजूल खर्च ना करें और जो बचाएं उसको इन्वेस्ट करें, सेविंग करके ना रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।